क्वांट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं. टू स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स आर चोजन एट रैंडम एट एन 8x8 चेस बोर्ड. 8x8 का एक चेस का बोर्ड है जिसमें से हमने दो सबसे छोटे स्क्वेयर उठाए हैं. What is the probability that they have exactly one vertex in common? Probability इस बात की पता करनी है कि उन दो squares का क्या probability है कि उनका एक कोना ही common होगा. They have exactly one vertex in common. और ये आपको चार options दी हुई हैं. कैसे solve करेंगे? सबसे पहले हम choose करते हैं four corner squares. फोर कॉर्नर स्क्वेयर्स हो गए आपके ये वाला एक दो तीन और ये हो गया आपका चार. ये चार कॉर्नर स्क्वेयर्स हमने चूज किए. दे हैव ओनली वन स्क्वेयर विद हुम दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स. अब सबसे पहले इस वाले को लीजिए. इसका कॉमन वर्टेक्स का एक ही पॉसिबिलिटी है. इसका एक कॉमन वर्टेक्स वाला स्क्वेयर है. अब हम इसको लो तो इसका भी एक ही स्क्वायर है जिसके साथ ये कॉमन वर्टेक्स कॉमन कोना शेयर करता है. उसी तरह से ये तीसरे के पास भी एक ही है और ये चौथे के पास भी एक ही है. सो इन चार स्क्वायर्स का जो हमने कॉर्नर स्क्वायर्स उठाए थे उनका एक एक कॉमन स्क्वायर है जिनके साथ वो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं. तो फोर स्क्वायर्स हर का एक हो गया तो ये हो गए चार. फोर इंटू वन हो गया फोर. आगे बढ़िए. अब हम 24 बॉर्डर स्क्वायर्स चूज करते हैं. बॉर्डर स्क्वायर्स में देखो ये वाले आप ऑलरेडी उठा चुके हो. इनको अब हमने काउंट नहीं करना. जो मैंने टिक किया है इनको काउंट नहीं करना. अब हम किनको काउंट करेंगे? ये हो गया जी आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो ये हो गए आपके 6 बॉर्डर स्क्वायर्स. तो इधर भी ये वाले 6 बॉर्डर स्क्वायर्स हैं आपके. इधर भी आपके 6 बॉर्डर स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर भी आपके 6 बॉर्डर स्क्वायर्स हैं. तो ये कुल मिलाकर हो गए 24 बॉर्डर स्क्वायर्स. अब अगर हम एक स्क्वायर उठाते हैं. अब मान लो मैं इस स्क्वायर को उठा रही हूँ तो इसके दो हैं जी कॉमन वर्टेक्स वाले स्क्वायर. क्वेश्चन ये था कि आपको कॉमन वर्टेक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो जब मैं इस वाले एक स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो इसके पास एक ये है और एक ये है. इसी तरह से आप कोई भी और उठा लीजिए. देखिए अब मैं अगर इस वाले स्क्वायर की बात करूंगी तो भी मैं दो स्क्वायर्स उठाऊंगी ना, जो ये एक इसके साथ ये शेयर कर रहा है और इसके साथ ये शेयर कर रहा है. तो हर स्क्वायर के पास दो ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनके पास वो कॉमन वर्टेक्स शेयर करता है. तो 24 तो मैंने पहले उठाए थे, हर के पास दो हैं तो ये बन गए 48. इसके आंसर कितना आया? 48. अब हमारे पास 36 स्क्वायर्स रिमेनिंग बचे हैं. आपने सबसे पहले ये वाले तो हमने फर्स्ट स्लाइड में उठा लिए थे ये चारों, ठीक है. उसके बाद हमने सेकंड स्लाइड में ये वाले स्क्वायर्स उठा लिए. तो फिर अब आपके पास कितने बचे? आपके पास एक मिनट, ये भी उठ चुके हैं, ये भी उठ चुके हैं. जिनके ऊपर मैंने टिक मारा है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके ऊपर ये वाले को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब ये बचे अंदर वाले, ये वाले स्क्वायर जो बाकी के रह गए थे, अब हम उनको उठा रहे हैं. अब हमने वो 36 बचे हुए स्क्वायर्स उठाए तो हर स्क्वायर के चार ऐसे स्क्वायर हैं जिसके साथ वो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहा है. देखो अब अगर मैं ये वाला तुमको उठाऊं, ये वाला स्क्वायर की मैं बात करूं तो इसके 1, 2, 3 और 4. तो हर एक स्क्वायर के 36 स्क्वायर्स ही हैं और हर स्क्वायर के पास चार ऐसे स्क्वायर्स हैं जिसके साथ वो कॉमन वर्टेक्स शेयर करता है. तो हमारे पास आए 36 × 4, ये बन गया 144. अब अवर फेवरेबल इवेंट्स हमने आपको तीन स्लाइड्स में बताए. 4 + 48 + 144 ये बन गया 196. और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या बने? 64C2. दिस इज 2016. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 196/2016. इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर है 7/72.